धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र दरबार के विच दिल्ली तो माता जी माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी भाई मनीजीत सिंह जी के नाल आईया सन ते उन्होंने आके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिया सी कि पातशाह जी साहबजादे नहीं दिसदे ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह शब्द कहे सी कि इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार आ जिहड़े साडे सामने बैठे है इन्हां पुत्रां दे उत्तों असीं अपने चार लाल कुरबान कर दिते है फिर की होया जे चार पुत्र कुरबान हो गए यह हजारां जिहड़े है वह जिउंदे है यह साडे गुरु साहिबान की देन है साध संगत जी इस धरती नूं इस खिते नूं इस सारे संसार नूं समुची मानवता नूं जिहनूं कोई भी दुनिया की ताकत जिहड़ी है वह झुठला नहीं सकती भुला नहीं सकती मैं एक कह दिया संगत जी कि पंजाब की धरती जिहड़ी है यह सूरबीर योधियां की धरती है ते प्रोफेसर पूरन सिंह ने शब्द कहे सी पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते किहड़े सूबे के हालात खराब होंदे है पता उस सूबे के हालात खराब मने जांदे है जिथे दो भाईचारियां दे विचकार हिंसक दंगे हो जाण फसाद हो जाण आपां कह सकदे हां कि सूबे के हालात खराब हो जे जां हालात खराब उदों होंदे है जदों किसे मुद्दे नूं लै के लोगां दा सरकार दे नाल टकरा हो जाए तो वह टकरा जिहड़ा है वह हिंसक रूप धारण कर जाए कई मौतां हो जाण गोलियां चल जाण ते बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा है वह खून बह जाए तो फिर आपां कहिंदे हां कि सूबे दे जिहड़े हालात है वह खराब हो गए पर पंजाब दे विच ऐसा कुछ नहीं है ना गुरु प्यारियो इत्थे दो भाईचारियां दे विचकार कोई गड़बड़ हुई है कोई तलवारां चलियां ने छवियां चलियां ने ना इत्थे जिहड़ा सरकार दे नाल टकराव दे विच कोई गोलियां चलियां ने कोई तीर चले ने कोई बरछे चले ने कोई कृपाना चलियां ने पर फिर भी पंजाब नूं जिहड़ा है वह हिंदुस्तान का गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा है वह कहा जा रहा है जिथे फसाद होए है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होनी यह एक वखरा मैटर है पर जिन्हां सूबियां दे विच हालात खराब होए ने भाईचारियां दे दरम्यान दंगे होए ने उन्हां नूं छड्ड के पंजाब नूं जिहड़ा है वह गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा वह प्रचारिया जा रहा है पंजाब दे विच बिल्कुल अमन अमान है और साडी अरदास भी है कि पंजाब दे विच अमन अमान जिहड़ा है वह रहे कई बार की हुंदा है शांत पानी हुंदा ना शांत पानी ते शरारती जिहड़े लोग हुंदे आ ना वह आप ही पानी दे विच पत्थर सुट के ते फिर कह दिंदे देखिए पानी कितना हिल रहा है कितनी गड़बड़ है पानी में कोई गड़बड़ नहीं है कोई इत्थे जिहड़ा है बदअमनी नहीं है इस करके मैं फिर इस तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती तो कहना चाहना कि आओ बेखौफ होके आओ बेपरवाह होके आओ हाँ लापरवाही नहीं वरतनी असी लापरवाही कदे भी नहीं वरतनी चाहिए लापरवाही ते बेपरवाही च फर्क हुंदा है साध संगत जी लापरवाही जिहड़ी है एक औगण है ते बेपरवाही जिहड़ी है वह गुण है पातशाह ने सिख नूं लापरवाह नहीं बनाया बेपरवाह बनाया लापरवाही कदे नहीं वरतनी ना घर दे विच ते ना बाहर दे विच ना कठां दे विच लेकिन बेपरवाही जिहड़ी है वह साडे अंदर जरूर रहनी चाहीदी है वध तों वध गिणती दे विच आओ खंडे पाटे दा अज अमृत संचार होना है खंडे पाटे दी पहुल छको गुरु वाले बनो ते इस माण मते इतिहास नूं याद करो क्योंकि अज दे दिन श्री आनंदपुर साहिब दी पावन धरती दे उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पाहुल तैयार करके पहला पांच सिंघां नूं छकाई उन्हां नूं पांच प्यारियां दा रुतबा बख्शिया ते फिर आप हथ जोड़ के उन्हां पासों अमृत की दात जिहड़ी है वह प्राप्त कीती ये साडा इतिहास है और इस पर्व नूं असीं खालसा साजना दिवस वजों मनाउने हां वैसे सिख इतिहास दे विच सिख परंपरा दे विच इह पावन पुरब धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय तो ही मनाया जाता आ रहा धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय एक सिख भाई पारू जी ने बेनती की कहिंदे महाराज मेरे मन दे विच एक विचार है कहिंदे दसो कहिंदे महाराज क्यों ना आपां एक दिन मनाया करिए सांझा सारी धरती तो सिख आया करन कोई काबल तो कोई कंधार तो कोई ढाके तो कोई पटने तो कोई दिल्ली तो कोई कश्मीर तो कहिंदे जदों एक दिन सारे सिख जिहड़े इकट्ठे होया करनगे ना एक दूजे की भाषा जाणिया करनगे एक दूजे के व्यापार बारे जाणिया करनगे एक दूजे की खेती बारे जाणिया करनगे एक दूजे नाल प्रेम प्यार वधूगा ढाके के सिखां नूं कश्मीर बारे पता लगू कश्मीर के सिखां नूं काबल कंधार बारे पता लगू काबल कंधार के सिखां नूं दिल्ली बारे पता लगू
महाराज भाई पारो जी नूं कहण लगे सिखा तेरी ब्यौंत बहुत जबरदस्त है, इउं करो विसाखी का पुरब यह मौसमी त्यौहार सी, कणकां दी फसलां दी वाढी नाल जुड़िया सी। सतगुरां ने कहा भी इउं करो फिर विसाख की संगरांद वाले दिन भाई चिट्ठियां भेजो भी इस दिन सारे सिख जिहड़े आ गोइंदवाल साहब की धरती के उत्ते इकट्ठे होण। ते धन गुरु अमरदास जी महाराज का हुक्म पा के भाई पारो जी ने अज के दिन सारे सिखां नूं चिट्ठियां भेजियां कि वड्डी गिणती दे विच गोइंदवाल साहब की धरती ते पहुंचो। पहली विसाखी धन गुरु अमरदास जी महाराज की हजूरी च गोइंदवाल साहब की पावन धरती से लगनी शुरू हुई। फिर गुरु प्यारे गुरु अर्जन देव जी महाराज का समा आया, सिखा ने बेनती की महाराज साल के एक दिन बहुत थोड़ा है, दो दिन चाहिए ने साल के छे महीने बाद। तो महाराज कहते भाई दूजा दिन फिर दिवाली वाला चुन लो, दिवाली वाले दिन सारे पहुंचा करो श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते। जिथे भी पातशाह होंगे सी, जे भाई की डरोली छेवें पातशाह सी ते भाई की डरोली विसाखी वाले दिन संगतां पहुंच गई, तो जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक श्री दमदमा साहब की धरती से सी तो उस वेले भी 1706 दे विच इस अस्थान के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हयाती दे विच ये खालसा साजना दिवस जिहड़ा है बड़ी श्रद्धा उत्साह नाल मनाया गया सी, और हजारां की तादाद विच इस दिन उस वेले खंडे बाटे का अमृत संचार होया सी। इत्थे बेअंत प्राणियों ने अमृत पान किया, भाई डल सिंह ने भी अमृत पान किया। मैं एक बार फिर जिथे अज खालसा साजना दिवस दीयां बहुत बहुत बधाइया दिना उथे आप सारी संगत नूं जीओ आया आखदा और नाल सारी संगत का धन्यवाद करदा कि आप नूं मुश्किलां होईयां होणगियां परेशानियां होईयां होणगियां क्योंकि कई गड्डियां गुड्डियां रोकियां गईयां, तां मैं इहदे बावजूद भी तुसीं पहुंचे हो और पहुंचो वध तों वध गिणती दे विच। मैं बहुत बहुत सारी संगत का धन्यवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र दरबार के विच दिल्ली तो माता जी माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी भाई मनीजीत सिंह जी के नाल आईयां सन। उन्होंने आके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछिया सी कि पातशाह जी साहबजादे नहीं दिसदे, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह शब्द कहे सी कि इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आ जिहड़े साडे सामने बैठे है इन्हां पुत्रां दे उत्तों असीं अपने चार लाल कुरबान कर दिते है, फिर की होया जे चार पुत्र कुरबान हो गए यह हजारां जिहड़े है वह जिउंदे है, यह साडे गुरु साहिबान की देन है। साध संगत जी इस धरती नूं इस खिते नूं इस सारे संसार नूं समुची मानवता नूं जिहनूं कोई भी दुनिया की ताकत जिहड़ी है वह झुठला नहीं सकती भुला नहीं सकती। मैं एक कह दिया संगत जी कि पंजाब की धरती जिहड़ी है ये सूरबीर योधियां की धरती है, ते प्रोफेसर पूरन सिंह ने शब्द कहे सी पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। किहड़े सूबे दे हालात खराब हुंदे आ पता, उस सूबे दे हालात खराब मन्ने जांदे आ जिथे दो भाईचारियां दे विचकार हिंसक दंगे हो जाण फसाद हो जाण, आपां कह सकदे आ कि सूबे दे हालात खराब हो जे, जां हालात खराब उदों हुंदे आ जदों किसे मुद्दे नूं लै के लोकां दा सरकार दे नाल टकरा हो जाए, तो वह टकरा जिहड़ा है वह हिंसक रूप धारण कर दे, कई मौतां हो जाण गोलियां चल जाण ते बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा है वह खून बह जाए, तो फिर आपां कहिंदे आ कि सूबे दे जिहड़े हालात है वह खराब हो गए। पर पंजाब दे विच ऐसा कुछ नहीं है, ना गुरु प्यारियो इत्थे दो भाईचारियां दे विचकार कोई गड़बड़ हुई है, कोई तलवारां चलियां ने छवियां चलियां ने, ना इत्थे जिहड़ा सरकार दे नाल टकराव दे विच कोई गोलियां चलियां ने कोई तीर चले ने कोई बरछे चले ने कोई कृपाना चलियां ने, पर फिर भी पंजाब नूं जिहड़ा है वह हिंदुस्तान का गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा है वह कहा जा रहा है। जिथे फसाद होए है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होनी यह एक वखरा मैटर है, पर जिन्हां सूबियां दे विच हालात खराब होए ने भाईचारियां दे दरम्यान दंगे होए ने उन्हां नूं छड्ड के पंजाब नूं जिहड़ा है वह गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा वह प्रचारिया जा रहा है। पंजाब दे विच बिल्कुल अमन अमान है और साडी अरदास भी है कि पंजाब दे विच अमन अमान जिहड़ा है वह रहे। कई बार की हुंदा है शांत पाणी हुंदा ना शांत पाणी, ते शरारती जिहड़े लोग हुंदे आ ना वह आप ही पाणी दे विच पत्थर सुट के ते फिर कह दिंदे देखिए पाणी कितना हिल रहा है कितनी गड़बड़ है पाणी में। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इत्थे जिहड़ा है बदअमनी नहीं है। इस करके मैं फिर इस तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती तो कहना चाहना कि आओ बेखौफ होके आओ,
बेपरवाह होके आओ। हां लापरवाही नहीं वरतनी, असि लापरवाही कदे भी नहीं वरतनी चाहिए। लापरवाही ते बेपरवाही च फर्क हुंदा है साध संगत जी। लापरवाही जिहड़ी है एक औगण है, बेपरवाही जिहड़ी है वह गुण है। पातशाह ने सिख नूं लापरवाह नहीं बनाया, बेपरवाह बनाया। लापरवाही कदे नहीं वरतनी, ना घर दे विच ते ना बाहर दे विच ना कठां दे विच, लेकिन बेपरवाही जिहड़ी है वह साडे अंदर जरूर रहनी चाहीदी है। वध तों वध गिणती दे विच आओ। खंडे पाटे का अज अमृत संचार होना है, खंडे पाटे की पहल छको, गुरु वाले बनो ते इस माण मते इतिहास नूं याद करो, क्योंकि अज दे दिन श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती दे उते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पाहल तैयार करके पहला पांच सिंघां नूं छकाई, उन्हां नूं पांच प्यारियां दा रुतबा बख्शिया, ते फिर आप हथ जोड़ के उन्हां पासों अमृत की दात जिहड़ी है वह प्राप्त की। यह साडा इतिहास है और इस पर्व नूं असीं खालसा साजना दिवस वजों मनाउने हां। वैसे सिख इतिहास दे विच, सिख परंपरा दे विच ये पावन पुरब धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय तो ही मनाया जाता आ रहा। धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय एक सिख भाई पारू जी ने बेनती की, कहिंदे महाराज मेरे मन दे विच एक विचार है, कहिंदे दसो। कहिंदे महाराज क्यों ना आपां एक दिन मनाया करिए सांझा, सारी धरती तो सिख आया करन, कोई काबल तो, कोई कंधार तो, कोई ढाके तो, कोई पटने तो, कोई दिल्ली तो, कोई कश्मीर तो। कहिंदे जो एक दिन सारे सिख जिहड़े इकट्ठे होया करनगे ना, एक दूजे की भाषा जाणिया करनगे, एक दूजे के व्यापार बारे जाणिया करनगे, एक दूजे की खेती बारे जाणिया करनगे, एक दूजे नाल प्रेम प्यार वधूगा। ढाके के सिखां नूं कश्मीर बारे पता लगू, कश्मीर के सिखां नूं काबल कंधार बारे पता लगू, काबल कंधार के सिखां नूं दिल्ली बारे पता लगू। महाराज भाई पारो जी नूं कहण लगे, सिखा तेरी ब्यौंत बहुत जबरदस्त है, इउं करो विसाखी का पुरब यह मौसमी त्यौहार से, कणकां दी फसलां दी वाढी नाल जुड़िया सी। सतगुरां ने कहा भी इउं करो, फिर विसाख दी संगरांद वाले दिन भाई चिट्ठियां भेजो भी इस दिन सारे सिख जिहड़े है गोइंदवाल साहब की धरती दे उत्ते इकट्ठे होण। ते धन गुरु अमरदास जी महाराज का हुक्म पा के भाई पारो जी ने अज दे दिन सारे सिखां नूं चिट्ठियां भेजियां कि वड्डी गिणती दे विच गोइंदवाल साहब की धरती ते पहुंचो। पहली विसाखी धन गुरु अमरदास जी महाराज की हजूरी च गोइंदवाल साहब की पावन धरती से लगनी शुरू हुई। फिर गुरु प्यारे गुरु अर्जन देव जी महाराज का समा आया, सिखा ने बेनती की, महाराज साल दे विच एक दिन बहुत थोड़ा है, दो दिन चाहिए ने साल दे विच छे महीने बाद। महाराज कहिंदे भाई दूजा दिन फिर दिवाली वाला चुन लो, दिवाली वाले दिन सारे पहुंचिया करो श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते। जिथे भी पातशाह हुंदे सी, जे भाई की डरोली छेवें पातशाह सी ते भाई की डरोली विसाखी वाले दिन संगतां पहुंच गईयां, ते जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक श्री दमदमा साहब की धरती ते सी तां उस वेले भी 1706 दे विच इस अस्थान दे उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हयाती दे विच ये खालसा साजना दिवस जिहड़ा है वड्डी श्रद्धा उत्साह नाल मनाया गया सी, और हजारां की तादाद विच इस दिन उस वेले खंडे बाटे का अमृत संचार होया सी। इथे बेअंत प्राणियों ने अमृत पान किया, भाई डल सिंह ने भी अमृत पान किया। मैं एक बार फिर जिथे अज खालसा साजना दिवस दीयां बहुत बहुत बधाइयां दिना, उथे आप सारी संगत नूं जीवां आखदा और नाल सारी संगत का धन्नवाद करदा कि आप नूं मुश्किलां होईयां होणगियां, परेशानियां होईयां होणगियां, क्योंकि कई गड्डियां गुड्डियां रोकियां गईयां, तां मैं इहदे बावजूद भी तुसीं पहुंचे हो और पहुंचो वध तों वध गिणती दे विच। मैं बहुत बहुत सारी संगत का धन्नवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।